हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दीपक गुप्ता। मैं एक एडिटर हूं। इंट्रो खत्म, अब चालू करते हैं वीडियो एडिटिंग की क्लास। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं करी है। इसमें मेरा पहला पार्ट तो यही रहेगा कि मैं तो आप लोगों को सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में बताऊँ और मेरे सिस्टम में यूज़ करता हूँ राइजन का प्रोसेसर, राइजन 3। हाँ, लो वोट वाला लेकिन चल जाएगा। दूसरा, मैं इसमें लगाया हूँ अपना 16 GB रैम। और तीसरा है मेरा, मैं अपना ग्राफिक कार्ड यूज़ किया हूँ NVIDIA 1650 GTX। SSD लगाया हूँ मैंने 128 GB। SMPS मैं यूज़ कर रहा हूँ 450 GB का। और मदरबोर्ड मेरा ये है। तो चलिए, ये मेरी स्क्रीन है और मैं अपनी स्क्रीन में ओपन कर रहा हूँ प्रीमियर प्रो। ये इसका फ्रंट है, स्टार्टिंग का। मतलब इसको डाउनलोड करने के लिए आपको इसको परचेज करना पड़ता है। वैसे तो ये डाउनलोड नहीं कर सकते, इसको परचेज करना पड़ता है। इसके चार्जेस होते हैं, जितने भी होते हैं। और अगर इसके दो तरीके और हैं, इसको टॉरेंट के तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए, मैंने इसको इंस्टॉल किया है। इसकी रिकमेंडेशन होती है जो कि आप देख सकते हैं, आपको गूगल मिल जाएगी कि कितने कैसे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पे ये काम करता है। और मेरा मानना है ये विंडोज 10 के लिए ही बना है, इसलिए इसको यूज विंडोज 10 पे ही किया गया। तो मैंने इसमें बहुत सारे मेरे सारे प्रोजेक्ट खुले रखे हैं इसमें। तो मैं इसमें सिंपल सी आसान सी पहली वीडियो वैसे बोली तो मैं इसको थोड़ा बहुत बताऊंगा। और इसमें सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट। हम नेम कुछ भी दे सकते हैं, नेम आपको जो देना हो, मतलब जिस पे आप कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से आप नाम दे सकते हैं। तो चलिए, नाम दे देता हूँ मैं Project 1। अब इसको हम कहाँ पे मतलब ला रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर, वो भी देखा जाता है। तो लोकेशन आपको देनी है अपनी। लोकेशन मैंने अपने हार्ड डिस्क में सेव करी है। चलिए, और बाकी तो अपने आप सेव आ जाता है इनकोड होती फाइल्स। हाँ, कई लोगों की जगह ग्राफिक कार्ड नहीं होते तो उसका यहाँ पे दो तीन ऑप्शन आते हैं, एक सॉफ्टवेयर ओनली और एक CUDA। तो CUDA में ही रखना चाहिए इसको। सॉफ्टवेयर ओनली का मतलब होता है आप अपने सॉफ्टवेयर से रेंडरिंग करेंगे। रेंडरिंग होती है, फाइल की रेंडरिंग होती है, अगर अटक रही है तो उसको पहले रेंडर कर दिया जाता है। और उसमें थोड़ा टाइम लगता है सॉफ्टवेयर में, इसलिए हार्डवेयर से करा जाता है इसको। तो इसको पहले सेट कर दीजिए। ये है डिस्प्ले फॉर्मेट, जिसमें हमारा टाइम कोड और फ्रेम्स दो तरीके के फॉर्मेट होते हैं। जब अपन एडिटिंग करते हैं ये, तो जो नीचे अपना टाइम लाइन होता है जहाँ पे अपन एडिट करते फाइल जाते हैं, उसमें ये डिस्प्ले करता है फॉर्मेट। दूसरा है ऑडियो, ऑडियो अपना सेव रहता है, ऑडियो ऑटो सैंपल रहता है, ऑडियो सैंपल रहता है। कैप्चर अपना HD, दो तरह के कैप्चर होते हैं, तो इसमें तो HD ऑलरेडी सेट है। अब ग्राफिक्स, आपकी व्हाट इज देयर, मतलब कलर मैनेजमेंट, ये सब क्या है, 100 है, 200, 300, तो ये सेट है आपका 203 सेट है 58%। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो वीडियो डाली है उसको एडिट कर रहे हैं, उसके बाद जो एक्सपोर्ट होगी तो उसकी क्वालिटी कितनी हाई हो सकती है। अगर उसको वहां पे भी एक्सपोर्टिंग के टाइम में ये ऑप्शन आता है, अगर वो अच्छी क्वालिटी दे रहा है तो उसको आप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो ये सेट रहता है, क्वालिटी ठीक रहता है। बस इसमें यही सब है, इसको एंटर करते हैं, अपना हमारा मेन डिस्प्ले आता है। तो ये हमारा डिस्प्ले है। अब ये मैंने अपना खुद का क्रिएट करके, अपना मतलब जो हमारा ऊपर जो आप देख रहे हैं लर्निंग असेंबली एंट्री, इसमें देखिए स्टार्टिंग हमारी यहीं से शुरू होती है लर्निंग। यहाँ से हमको सब कुछ मिल जाता है ट्यूटोरियल के बारे में, इसमें सब भी जानकारी होती है, सारी जानकारी होती है। यहाँ हमारा एडिटिंग टूल, कलर, इफेक्ट, ये सब अपने इसको बोल सकते हैं हम टास्क बार ही बोल सकते हैं हमारा। तो थोड़ा सा टक रहा है क्योंकि मैंने शायद जल्दीबाजी कर दी। ओके, तो ये इफेक्ट है, यहाँ पे हमारे सारे इफेक्ट्स आ जाते हैं, यहाँ हमारा प्रोजेक्ट फाइल्स आती है, यहाँ पे जो हम प्रोजेक्ट जो हमको स्टार्ट करना है वो ला के यहाँ पे डालते हैं। ये हमारा टाइमलाइंस है, यहाँ पे हम वीडियोस
ला के एडिट करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम मॉनिटर है, यहाँ पे हम वीडियोस अपनी शो कराते हैं। और मैंने अपना खुद का बनाया था एडिटिंग 2.0, इसे मेरे को आसानी जाती है क्योंकि इसमें मेरे को डिस्प्ले प्रोग्राम मॉनिटर भी बड़ा दिखता है और ये और मैंने जितने भी इफेक्ट वगैरह जो ग्राफिक्स तो मतलब जो रहती है चीज़ें हैं वो मैं यहाँ डालता हूँ ऊपर, आप यहाँ आप देख सकते हैं सिस्टम पे। चल आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मैं और चीज़ें लाती रहूँगा जो मैं अपने चैनल पे वीडियो बनाता हूँ म्यूजिक की, मैं उस पर वीडियो लाता रहूँगा। और लाइक करें शेयर करें, मेरी पहली वीडियो है ये, आई होप यू लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।